है, पलक लगाने से 4 से 5 मिनट में तावा जो है गर्म हो जाएगा। उसके बाद टिश्यू या कपड़ा लेके हल्का ऑयल के साथ में इसको क्लीन कर देना अच्छे से। क्लीन करने के बाद ये हैंडल अगर टाइट है तो हल्का सा इधर ऑयल डाल देंगे तो हैंडल लूज हो जाएगा, ठीक है। और जो आटे का जो पेड़ा है इसको क्या करना है, नीचे से नहीं उठाना है, इसको ऊपर सेंटर से उठाना है और इसको सेंटर में लाके यहाँ नहीं रखना है, सेंटर से थोड़ा पीछे रखना है और इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करना है और इसको यहाँ से पकड़ के जल्दी से प्रेस करना है और जल्दी से उठा लेना है। इस तरीके से राउंड हो जाएगा, ठीक है। राउंड होने के बाद क्या करना है, आपने इसको उठा के चेंज करना है और चेंज करने के बाद आपने इसको बंद नहीं करना है, इसको ओपन में 30 सेकंड तक रखे रहना है ऐसे ही 30 सेकंड तक, ठीक है। आटा जो बनाएंगे इसका थोड़ा पतला बनाएंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, मुलायम आटा बनाना है। जैसे कि कोई भी आटा है, वाइट ब्राउन कोई भी आटा ले सकते हैं, जैसे हम चक्की फ्रेश आटा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आटा हो, आपने सिर्फ 2 गिलास आटा और 1 गिलास पानी और थोड़ा नमक डालना है। 2 गिलास आटा, 1 गिलास पानी, थोड़ा नमक और 5 मिनट तक मिक्स करना है। 5 मिनट बाद जो है आटा ऐसे पतला सॉफ्ट हो जाएगा तो हाथ में चिपकेगा, तो हल्का सा ना ऑयल हाथ पे लगा लेना, फिर चिपकेगा नहीं। और फिर इसको राउंड करके जैसे आप पराठा भी खाते हैं इसके अंदर डाल देना है, ज्यादातर आलू गोभी चिकन वेज कीमा जो भी खाना है इसके अंदर डाल दे। और इसको राउंड करने के बाद इधर डायरेक्ट इधर नहीं रखना है, इधर आपने 10 मिनट रखना है, 10 मिनट बाद आटा सूख जाएगा, 10 मिनट बाद उठा के इधर रखना है। इसको उठाने के बाद दोबारा ऐसे राउंड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से उठाना है, इसको ऊपर से उठा के यहाँ रखना है। ऐसे बबल्स आ रहे हैं ना, ये बबल्स आने के बाद आपने इसको चेंज करना है और चेंज करने के बाद ऊपर वाले ढक्कन को ढक देना है, बस रोटी तैयार हो जाएगी। इसको बंद नहीं करना ऊपर से, अगर आप बंद करेंगे तो रोटी फूलेगी नहीं। ये इस तरीके से रोटी पूरी तैयार, ये इस तरीके से पूरी रोटी तैयार, ठीक है ना। ये पूरा मल्टी मेकर है।